रत्न का ज्योतिष में काफी महत्व है। इसको पहनने से व्यक्ति की सारी समस्या का खात्मा भी हो जाता है। रत्नों का चयन राशि अनुसार किया जाता है। रत्न ज्योतिष में रत्न सिर्फ कुंडली के ग्रह दोषों को दूर करने के काम नहीं आते, बल्कि इन्हें पहनने से कई तरह के रोगों से भी लड़ने की शक्ति मिलती है। आपको बता दें, आयुर्वेद में रत्नों की भस्म द्वारा रोग निवारण के उपाय से बहुत बताए गए हैं। बताया तो ये भी जाता है कि वैज्ञानिक दुनिया में रत्नों में उपस्थित विशेष रासायनिक तत्व हैं। जब इन रत्नों को पहना जाता है तो शरीर पर इनका स्पर्श होता है और लगातार इनमें मौजूद रासायनिक तत्वों के संपर्क में आने से रोग खत्म हो जाते हैं। रत्नों की भस्म का सेवन कर लिया जाए तो रोग को जड़ से खत्म किया जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कौन सा रत्न किस बीमारी में उपयोगी साबित हो सकता है। नंबर एक, पन्ना, स्मरण शक्ति के लिए इसको धारण करना चाहिए। नंबर दो, नीलम, गठिया बाय, मिर्गी, हिचकी और नपुंसकता को खत्म करने के लिए नीलम का उपयोग किया जाता है। नंबर तीन, फिरोजा, दैविक आपदाओं से बचाने के लिए फिरोजा रत्न धारण करें। नंबर चार, मरियम, बवासीर या बहते हुए रक्त को रोकने के लिए मरियम का उपयोग कर सकते हैं, खून की कमी दूर करने के लिए। नंबर छः, मोती, तनाव व नसों से जुड़े रोगों के लिए। नंबर सात, किडनी स्टोन, किडनी रोग निवारण के लिए किडनी स्टोन बहुत ही उपयोगी होता है। नंबर आठ, लाडली, दिल की बीमारियों, बवासीर व नज़र रोग के लिए इसको आप धारण कर सकते हैं। नंबर नौ, मूंगा, मोती, मुहासों के लिए आप इसको धारण कर सकते हैं। नंबर दस, पन्ना, नीलम लाजवर्त, पेस्टिक अल्सर में यह बहुत उपयोगी होता है। नंबर ग्यारह, पुखराज, लाजवर्त मूनस्टोन, दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर तेरह, माणिक, मोती, पन्ना, यह तीनों रत्न सर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। नंबर तेरह, गोमेद या मूनस्टोन, गले की खराबी के लिए इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। नंबर चौदह, माणिक, मूंगा, पुखराज, सर्दी, जुकाम, खांसी जिसे बार बार होता हो, वे धारण इसको कर सकते हैं। नंबर पंद्रह, मूंगा, मोती, पुखराज, बार बार होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 16, तांबे की चेन, कुकुर, खांसी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 17, मूंगा, मोती, पन्ना, मूंगा, मोती, पन्ना, एक ही अंगूठी में मोतियाबिंद को खत्म करने के लिए धारण कर सकते हैं। नंबर 18, मूंगा और पुखराज, कब्ज की मुक्ति के लिए आप मूंगा और पुखराज का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 19, पन्ना, पुखराज, मूंगा, पन्ना, पुखराज, मूंगा, एक ही अंगूठी में ब्रेन ट्यूमर के लिए धारण करें। नंबर 20, मोती, पुखराज, चांदी की चेन में हर्निया के लिए इसको आप धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट 9, स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट। Oh.